बाद माफिया डॉन आजकल गुजरात की जेल में बंद है, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खूंखार माफिया डॉन अतीक अहमद का आतंक अब मिट्टी में मिल चुका है। फिलहाल अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वह अपनी पूरी जिंदगी अब इसी गुजरात की जेल में गुजारेगा। आलिशान फार्म हाउस में विदेशी नस्ल के घोड़ों की फौज रखने वाला और दर्जनों कुत्तों के साथ दर्जनों नौकर रखने वाले माफिया डॉन अब 25 रुपए की दिहाड़ी पर काम करेगा। आपको बता दें कि 1100 करोड़ की चल अचल संपत्ति का मालिक अतीक अहमद अब जेल में झाड़ू भी लगाएगा और भैंसों को भी धोएगा। मात्र 25 रुपए की दिहाड़ी पर अब इसे रोज काम करना पड़ेगा। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया को अब कैदी नंबर 17052 के नाम से जाना जाएगा। अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अब वो अपनी बाकी की जिंदगी इसी गुजरात की जेल में गुजारेगा। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद का आतंक कैसे मिट्टी में मिल गया, यह अब साफ दिख रहा है। जिस माफिया के आलिशान फार्म हाउस में कभी विदेशी नस्ल के घोड़े पलते थे और खूंखार कुत्तों की फौज संभालने के लिए दर्जन नौकर थे, वह आज खुद तबेले में भैंसों को नहला रहा है और झाड़ू पोछे का काम कर रहा है। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल में यह काम दिया गया है, जहां उसे रोजाना की 25 रुपए की दिहाड़ी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि अतीक अहमद के पास 1100 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति थी, जिसे अब योगी आदित्यनाथ सरकार जब्त कर चुकी है। गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद के काम को तय कर दिया गया है। अब उसे सजा के मुताबिक जेल के सभी काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसे जेल में खेती का काम भी करना पड़ेगा। इन कामों के लिए उसे दिहाड़ी के तौर पर 25 रुपए प्रतिरोज के हिसाब से मिलेंगे। जेल प्रशासन ने अतीक अहमद का बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया है, जिसमें रोज की मजदूरी के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। दरअसल अतीक अहमद को अकुशल कारीगरों की कैटेगरी में रखा गया है। यदि वह कुशल कारीगर होता तो उसे दिन के 40 रुपए दिहाड़ी के तौर पर मिलते हैं।